ओके तो भाई कल होने वाला फाइनली रेसलमेनिया का सेकंड नाइट, और भाई कल सेकंड नाइट के बाद रेसलमेनिया 40 खत्म हो जाने वाला है। और भाई जितने भी रिपोर्ट आए मेरे पास रेसलमेनिया 40 से रिलेटेड, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई रेसलमेनिया सेकंड नाइट के ऊपर भाई जितने भी मैचेज होने वाला, मैं आपको सारे मैचेस का मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता देता हूं। भाई रेसलमेनिया का फर्स्ट नाइट के ऊपर भाई मैंने जितना प्रेडिक्ट किया था सारा चीज सही भी हुआ। तो सबसे पहले भाई बेली वर्सेस योशिकाई के मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर आपको नई चैंपियन आपको बेली देखने को मिलने वाली। योशिकाई का भाई इस मैच के अंदर भाई बिल्कुल भी 0% चांसेस है इस मैच के अंदर विन करने का। रेसलमेनिया 40 का सबसे ज्यादा अगर किसी मैच के बैटिंग ऑड्स में डिफरेंस था तो भाई यही मैच के अंदर। तो भाई बहुत सिंपल है यार, फाइनली भाई बेली इस मैच के अंदर विन कर जाने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर। हां मैं आपको बता दूं भाई बेली को हेल्प करने के लिए भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर भाई पक्का कोई ना कोई आने वाली होगी। और रेसलर भाई कौन होने वाला है इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, पर हां कोई एक फीमेल रेसलर आपको देखने को मिलेगी जो कि भाई बेली को आकर मतलब सेव करेगी। देन इसके बाद भाई नेक्स्ट अगर हम लोग कैरियन क्रॉस और बॉबी लेस्ली के टीम के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर मेरे ख्याल से भाई बॉबी लेस्ली का टीम विन करने वाली है। तो भाई मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता भाई इस मैच से, भाई इस मैच के अंदर भाई जो भी हो मुझे मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई शायद से गोवर टीम इस मैच के अंदर भाई फाइनली शायद से वो विन कर सकते हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट अगर हम लोग एजे स्टाइल वर्सेस एले नाइट के मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर एले नाइट विनर होने वाले। एले नाइट को भाई मेरे ख्याल से भाई एक बेटर मैच मिल सकता था, पर हाँ एजे स्टाइल भाई काफी अच्छे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट भाई अगर हम लोग लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस के मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर आपको बड़ा कमाल का चीज देखने को मिल सकता है। जैसे इस मैच के अंदर आपको रैंडी ऑर्टन का हिल्टन केविन ओवंस के ऊपर देखने को मिल सकता है, केविन ओवंस का हिल्टन आपको रैंडी ऑर्टन के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई ये दोनों रेसलमेनिया 40 से पहले भाई साढ़ू भाई बने हुए हैं, तो मतलब भाई इतना प्यार इनके बीच में मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सिंपल भाई इन लोग दोनों का झगड़ा होने वाला है जिसका फायदा मतलब यहाँ पर लोगन पॉल उठाने वाला है। भाई लोगन पॉल सक्सेसफुली अपने चैंपियंस बेल्ट को यहाँ पर मतलब रिटेन करने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भाई बाहर से भाई कोई बंदा आकर हेल्प कर सकता है इस मैच के अंदर मतलब भाई लोगन पॉल। इसके बाद नेक्स्ट भाई अगर हम लोग ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस मैच के अंदर ब्लडलाइन का इंटरफेरेंस, इस मैच के अंदर सीएम पंक का इंटरफेरेंस, इस मैच के अंदर मनी इन द बैंक कैसे, आप लोग इसको भी नहीं भूल सकते भाई। क्योंकि भाई करेंट आए यार डेमन प्रीस के पास, भाई अब टैग टीम चैंपियंस बेल्ट इनके पास नहीं बचा। तो भाई आप फाइनली अपना मनी इन द बैंक कैसे इन करने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर शायद से इसी मैच के अंदर ये कर सकते। भाई ये इससे पहले भाई जितने बार भी अटेम्प्ट किए सारा बार हैवी वेट चैंपियंस बेल्ट के लिए ही किए, मतलब भाई आपको सिंपल तरीके से भाई सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर के मैच के बीच में भाई आपको बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला। भाई अगर हम लोग फाइनल विनर के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के अंदर विनर आपको ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलने वाला। इसके बाद नेक्स्ट भाई अगर हम लोग रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के बारे में बात करें तो भाई बहुत सिंपल है इस मैच के अंदर भाई कोडी रोड्स विनर बन जाएंगे। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर भाई वीडियो बना चुका तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा भूखने नहीं वाला। सिंपल है भाई रोमन रेंस का आप टाटा बाय बाय होने वाला है भाई, चला गया तुम्हारा ट्रैवल चिप, आपको कोडी रोड्स को एक्नॉलेज करना होगा। वैसे नेक्स्ट भाई अगर हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो भाई मुझे आपको बहुत कुछ बताना है ब्रॉक लेसनर के बारे में। लिटरली भाई आप लोग खुश हो जाओगे क्योंकि भाई ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को कंफर्म कर दिया कि ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। सिंपल भाई जब ट्रिपल एच से पूछा गया कि ब्रॉक लेसनर करंट टाइम में कहां है तो भाई ट्रिपल एच ने इस बात को बोला कि ब्रॉक लेसनर अभी करंट टाइम अपने घर पर ना किसी भी टाइम पर वो वापस आ सकते हैं। भाई ट्रिपल एच ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि ब्रॉक लेसनर को लेकर भाई कभी मतलब कुछ अनबन हो। मेरे ख्याल से भाई ट्रिपल एच चाहे इस बात को कितना भी नकार लें पर भाई ये बात हम सबको पता है कि भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच ही रेसलमेनिया 40 के अंदर होने वाला। भाई जब सेक्स स्कैंडल का जब नाम सामने आया तो भाई डब्ल्यू वाले ने मतलब ब्रॉक लेसनर से अपना पैर को पीछे खींच लिया। भाई अब करेंट में सारा चीज सही हो चुका है, मैं आपको ऑलरेडी भाई पहले भी मैं आपको बहुत सारे रिपोर्ट बताया और कल ही भाई जब पॉल वन ने भाई जब हॉल ऑफ फेम के अंदर जब ब्रॉक लेसनर का नाम लिया था मतलब पुराना स्टाइल में ब्रॉक लेसनर करके, मैं उसी टाइम पर समझ गया था कि मतलब भाई अब सब चीज मतलब करेंट में सही हो चुका है। भाई गुड न्यूज है कि भाई आपको ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा डब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से वापस ही आने वाले। वैसे भाई एक ट्रिपल एच मतलब पॉल वन का भाई करेंट में फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, आप लोग देख सकते हो भाई बैक स्टेज भी भाई मतलब एकदम पूरा ड्रेस में हमारे पॉल वन बैठे हैं। ये जो फोटो भाई आप लोग देख सकते हैं मनी इन द बैंक का यहाँ करेंट में वायरल हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आर्ट्रूथ के बारे में, भाई आपको शायद से फोटो के अंदर आर्ट्रूथ यहाँ पर दिख भी नहीं रहे, आप लोग देख सकते हो भाई मिज अपनी वाइफ को चुमा ले रहे हो भाई पीछे से यहाँ पर हुला कर रहे हैं आर्ट्रूथ। ये मतलब थोड़ा सा भाई फनी फोटो है, मुझे लगा भाई मुझे आपको दिखाना चाहिए। वैसे भाई रेसलिंग ब्लॉग वाले ने भाई रेसलमेनिया 40 का भाई सारे मैचेस का यहाँ पर रेटिंग भी रिलीज किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई मतलब उन्होंने भाई रोमन रेंस का मैच को भाई 3.5 स्टार मतलब उन्होंने रेटिंग दिया रोमन रेंस और रॉक के मैच, और उसके पीछे का भाई इन्होंने रीजन दिया कि रोमन रेंस और रॉक का जो मैच स्टार्ट हुआ था बहुत ज्यादा स्लो फेस से स्टार्ट हुआ था। हाँ भाई ये भी अपने जगह पर सही है, हम लोग भी अपने जगह पर मतलब भाई सही है, मैच वैसे भाई 45 मिनट तक पूरे चला था और लिटरली भाई मैं स्टिल मतलब इस मैच को भाई मैं 5 स्टार रेटिंग में मतलब मैं देना चाहूंगा, क्योंकि भाई अगर मैं सेटिस्फाई हूँ मेरा ऑडियंस अगर सेटिस्फाई तो भाई 5 स्टार रेटिंग मैं देना चाहूंगा इस मैच। बात करते हैं रॉक के बारे में तो भाई रॉक कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस भाई तीनों रेसलर को रेसलमेनिया के अंदर भाई स्पेशल एंट्रेंस नहीं मिला था, तो इसको लेकर भाई करंट में बहुत सारे लोग भाई रेसलमेनिया के अंदर भाई नाराजगी मतलब जता रहे हैं। क्योंकि भाई अगर हम लोग स्पेशली रॉक का बात करें तो भाई उनको सिर्फ एक ही मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर मिला था, सेकंड नाइट के ऊपर उनका मैच भी नहीं। भाई हमें 11 सालों बाद रॉक का मैच देखने को मिला, इतना कमाल का मैच देखने को मिला, उसके बावजूद भी डब्ल्यू वाले ने इनको स्पेशल इंटरेस्ट नहीं। साथ ही साथ भाई बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बोल रहे कि भाई फिलाडेल्फिया का जो भाई एरिना था उसके अंदर पायरो बहुत ज्यादा नहीं। हाँ भाई ये चीज मुझे भी लगा भाई स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ भाई रोमन रेंस को ही मिला। भाई रॉक ने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को कंफर्म कर दिया कि उनके डीएनए के अंदर मतलब
प्रोफेशनल रेसलिंग है, इसलिए अभी और रेसलिंग करना चाहते हैं, मतलब भाई आपको रॉक का मैच देखने को मिलेगा 100%। नेक्स्ट अगर हम लोग रोमा रेंस का बात करें तो भाई रोमा रेंस ने इस बात को बोला कि मेरा सपना था मतलब रॉक के साथ मैच रेसल करने का, रॉक के साथ रिंग शेयर करने का, फाइनली भाई मतलब रोमा रेंस ने भाई उस सपने को पूरा कर लिया। साथ भाई रॉक ने इस बात को बता दी कि भाई उनको एक्चुअल रोमा रेंस के साथ मैच रेसल करने के लिए पिछले साल ही आना, भाई देखो रेसलमेनिया 39 के अंदर भाई इनका मैच नहीं हुआ, रेसलमेनिया 40 के अंदर भी नहीं हुआ, 41 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वैसे भाई रॉक का जो परफॉर्मेंस था भाई उसको करंट में बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद भाई अगर हम लोग रिया रिप्ली के बारे में बात करें तो भाई करंट में रिया रिप्ली 321 डेज हो चुका है मतलब इनको एज ए चैंपियन। और मैं आपको एक कमाल का चीज बताता हूं भाई, रिया रिप्ली ऐसी पहली रेसलर बन चुकी है जिन्होंने भाई 4 हॉर्समैन को मतलब इन्होंने हराया, इन्होंने बैकी लिंच को हराया, इन्होंने शार्लेट फ्लेयर को हराया, इन्होंने बेली को हराया, इन्होंने मतलब साशा बैंक्स को हराया। रिया रिप्ली भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फ्यूचर बनने वाली सबसे बड़ी सुपरस्टार ये बनने वाली है। इनका चेहरा भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर भाई काफी मतलब अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग सैमी जेन के बारे में बात करें तो भाई फाइनली भाई सैमी जेन भाई हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। उसके बाद भाई मतलब इनका फोटो भी निकलकर सामने है जिसके अंदर भाई वो फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टोन कोल्ड और जॉन सीना के बारे में बात करें तो भाई आप लोग खुद से यहाँ पर देख सकते हो, भाई जस्ट 4 मिनट पहले इनके बारे में न्यूज आया, रेसल फीचर वालों ने भाई मतलब साफ तरीके से इस बात को बोल दिया कि मतलब ये देखने को मिलने वाला आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर। भाई अगर अब ये देखने को नहीं मिलते तो भाई ये मेरा गलती नहीं क्योंकि भाई रूमर तो यही आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में जो कि भाई डब्ल्यू वाले इस बार सऊदी के अंदर करवाने वाले हैं। आप लोग भाई यहाँ पर डेट देख सकते हो, भाई अगला महीना 25 तारीख को आपको सऊदी के अंदर ये शो देखने को मिलेगा। फाइनल भाई अगर हम लोग मीज और सीएम पंक के बारे में बात करें तो भाई इनका एक बड़ा कमाल का फोटो निकल कर सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे देखो यार कल के दिन भाई रोमर है तो कोडी रोड्स के मैच के बीच में या फिर ड्रू मैकइंटायर और सेथ के मैच के बीच में भाई क्या होने वाला भाई किसी को भी नहीं पता, भाई कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब आप लोग जितना भी सोचोगे भाई मतलब उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है। भाई मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई बस आप लोग इंतजार करो, मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि भाई डब्ल्यू वाले बस हमें डिसअपॉइंट ना करे। रोमर रेंस भाई हारे तो भाई रोमर रेंस हारने के बाद मतलब एक हीरो दिखाई दे, एज ए हीरो दिखाई दे। वैसे देखते हैं भाई क्या होता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। साथ ही साथ भाई आज मैं रात को 9 बजे मैं लाइव भी आने वाला हूं, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा और भाई जिन लोग को मेरे से बात करना इंस्टाग्राम को पर आ सकते हैं।